أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما. يا اذكروا الله ذكرا كثيرا يا أيها الذين وسبحوه بكرة وأصيلا. صدق الله العظيم. आप देख रहे हैं वक्त न्यूज की खुसूसी ट्रांसमिशन सादते रमजान। आप सबको रमजानुल मुबारक का ये बाबरकत महीना बहुत बहुत मुबारक हो। जी ख़वातीन हज़रात, इंशाल्लाह आज से लेकर चांद रात तक हम आपके साथ रहेंगे, आप हमारे साथ रहेंगे, और हम सिर्फ दो ही सेट पर नहीं होंगे, इस सेट पर और बहुत सारे लोग हमें ज्वाइन करेंगे, जिनमें आलम दीन होंगे, मज़हबी स्कॉलर्स होंगे,
और अपना इसके अलावा वैसे समाजी कारकुन भी होंगे। हाँ हाँ, शोबिज़ से रिलेटेड भी पर्सनालिटीज़ होंगी, स्पोर्ट्समैन भी होंगे और सियासतदान भी होंगे, जिनसे हम बातें करेंगे सहरी और अफ्तारी की और शेयर करेंगे खूबसूरत लम्हात जी, कि वो लोग किस तरह सहरी और अफ्तारी का एहतमाम करते हैं और बहुत सारी बातें हमें सीखने को मिलेंगी। ख्वातीन हज़रात, ऐसे प्रोग्राम इसलिए होते हैं कि ये एक बाबरकत महीना है और इसमें हमें ज़्यादा से ज़्यादा इबादत करनी चाहिए और ज़्यादा से ज़्यादा इबादत करनी चाहिए, अल्लाह की कुर्बत हासिल करनी चाहिए और 11 महीने जो हम कामों में लगे होते हैं, भूले होते हैं अल्लाह को, तो ये महीना हमें याद दिलाता है, अल्लाह के बहुत करीब करता है। इसमें इबादत के दर्जात भी बहुत ज़्यादा हैं और बहुत ज़्यादा अजर व सवाब भी है। तो बहुत सारे आलम दीन आएंगे हमारे पास, आलमा भी होंगी हमारे साथ, एक यहाँ के किड्स कॉर्नर में वो के कसस अल अंबिया बयान करेंगी और किचन में भी राजिया हमारे साथ होंगी, वो भी किचन में कौन होगा जी? किचन में हमारे साथ होंगी दुर्रे शहवार, जो हमसे हमें बताएंगी कि सहरी में क्या खाना है, अफ्तारी में क्या खाना है और किस किस तरह के मज़ेदार खाने बना के वो हमें खिलाएंगी। आपके कहने का मतलब है कि लोगों को नहीं पता कि क्या खाना है, वो बताएंगी? रोज लोग एक ही चीज़ खा खा के बोर हो जाते हैं, वो नए नए जरा बताएंगी ना कि क्या क्या रेसिपीज हैं। अच्छा, वो ऐसी रेसिपीज बताएंगी जी जिससे ये होगा कि आपका मैदा जो है वो भारीपन भी ना हो और आपको एनर्जी भी जो है एनर्जी भी पूरी मिले और आपका रोज़ा भी निकल जाए, इसलिए होगा जी। उनका साथ भी हमारे साथ रहेगा और आप हमारे साथ रहिएगा जी, क्योंकि बहुत कुछ सीखने को मिलता है और हम भी सीख रहे हैं बिल्कुल, और आप भी सीखेंगे क्योंकि उलमाए कराम आएंगे, मजहबी स्कॉलर्स आएंगे, वो बहुत अच्छी अच्छी बातें करेंगे जी। अच्छा, अब वक्त हुआ जी नाज शरीफ का। नाज शरीफ के लिए हमारे साथ आज हैं जी जी अली रजा साहब हमारे साथ हैं, उनसे सुनते हैं एक खूबसूरत सी नात जी। अली रजा, फैजून के आम हो गए दो जहां गुलाम हो गए, मुक्तदी हैं सारे अंबिया, मुक्तदी हैं सारे अंबिया, मुस्तफा इमाम हो गए, मुस्तफ़ा इमाम हो गए, वास्ता दिया जो आपका, वास्ता दिया जो आपका, मेरे सारे काम हो गए, मेरे सारे काम हो गए, और जब बुलाया आका ने, आका ने जब बुलाया आका ने, खुद ही इंतजाम हो गए, खुद ही इंतजाम हो गए, नाम लेवा उन्हें के जो हुए, नाम लेवा उन्हें के जो हुए, उनके ऊंचे नाम हो गए, उनके ऊंचे नाम हो गए, वक्फ नात खानियरिया, रिया
वक्फे नात खानी रियाज मेरे सुबह शाम हो गए फैज़ उनके आम हो गए दो जहां गुलाम हो गए जी, तो बढ़ते हैं आप ब्रेक की जानिब। ब्रेक से वापस आकर यहाँ पर हमारे साथ उलमा इकराम भी होंगे और दूसरे गेस्ट भी होंगे, मेहमान आ जाएंगे यहाँ पर। तो मिलते हैं एक छोटे से ब्रेक के, हमारे मेहमान भी मौजूद हैं। मेहमान भी आ चुके हैं जी, मेहमानों की तरफ चलते हैं जी। गुफ्तगू का सिलसिला शुरू करने से पहले मैं ज़रा तारफ़ करा दूँ। मेरी बाईं तरफ बैठे हुए हैं जी पहले अलामा राजा बशारत हुसैन इमामी आलम दीन। अस्सलाम वालेकुम, आपका बहुत बहुत शुक्रिया आप तशरीफ़ लाए। उनके साथ तशरीफ़ लगते हैं जी डॉक्टर मोहम्मद जफर इकबाल जलाली शेख अल हदीस जामिया इस्लामाबाद। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम, आपका बहुत बहुत शुक्रिया जी आप तशरीफ़ लाए। जी जी, हम इस तरफ बैठे हैं मुफ्ती ज़मीर अहमद साजिद साहब, मजहबी स्कॉलर हैं। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम, बहुत बहुत शुक्रिया आप हमारे शो में आए। उनके साथ बैठे हैं सियासतदान कानून दान अहमद रजा कसूरी साहब। अस्सलाम वालेकुम सर। जी बहुत बहुत शुक्रिया आपका, आप हमारे शो में आए। और उनके साथ बैठी है मिशाल मलिक जो कश्मीरी लीडर हैं और कारकुन भी हैं। जी बहुत बहुत शुक्रिया आपका, कैसे हैं आप जी? आज हमारा मौजू है जी इस्तकबाल रमज़ान। हमारे बुज़ुर्ग भी इस्तकबाल करते रहे हैं, हम सुनते रहे हैं, हम अपने बचपन में भी वेलकम करते थे रमज़ान की खुशियाँ। एक अजीब एक अलग सी खुशी है बच्चों में भी। अब हम बड़ी उम्र में आ गए हैं, काफ़ी बड़ी उम्र में, तो अब हम किस तरह वेलकम करते हैं और पहले ज़माने में कैसे वेलकम किया जाता था। तो आजकल क्या, मैं अल्लामा साहब आपसे बात करूँगा कि सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस्तकबाल रमज़ान कैसे किया करते थे? जी ये पूरे रमजान मुबारक में ये सिलसिला जो चलेगा जी। तो सॉरी आपको डिस्टर्ब करेंगे, थोड़ा ऑडियो का प्रॉब्लम है। अच्छा मैं ऐसा करती हूँ कि सबका इंट्रोडक्शन तो हो गया, मैं ज़रा किचन कॉर्नर का भी इंट्रोडक्शन करा दूँ। और वहाँ पे हमारी आलमा भी मौजूद हैं, आ गई हैं जी। ये हमारे किचन कॉर्नर में होती हैं दुर्रे शहवार, जो कि हमें बताएंगी कि अफ्तारी में हम कौन कौन सी मज़ेदार चीज़ें खा सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं आप? मैं ठीक हूँ बिल्कुल। आज क्या खिला रही हैं आप? आज मैं आपको खिलाऊंगी माश की दाल के दही बड़े। अच्छा, और माश की दाल के दही बड़े, हाँ जी। और साथ ही जो है मिंट पाइन एप्पल चिकन चिली। अच्छा, मिंट पाइन एप्पल चिकन चिली। अच्छा, वेरी गुड। आप बनाएं, आप तैयारी रखें ताकि अफ्तारी तक हो जाए। और उधर हमारे पास आ गई हैं जी राजिया नवीद। राजिया नवीद अस्सलाम वालेकुम। ये भी आलमा हैं और मैं बिल्कुल ठीक हूँ। आपको रमज़ान बहुत बहुत मुबारक हो। और माशाल्लाह सारे बच्चे यहाँ पे बैठे हैं। अस्सलाम वालेकुम, अस्सलाम वालेकुम, अस्सलाम वालेकुम। आप सब लोगों को रमज़ान मुबारक, बहुत बहुत मुबारक हो। तो अब चलते हैं हम अपने मेहमानों की तरफ जी, क्योंकि सवालात का सिलसिला जारी रहेगा तो वो ब्रेक देना फिर मुनासिब नहीं लगता। अच्छा, मैं अभी आपकी ऑडियो में थोड़ी प्रॉब्लम है, मैं आपकी तरफ बाद में आता हूँ। तो मुफ्ती ज़मीर अहमद साजिद साहब, आपसे यही सवाल है कि सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कैसे इस्तकबाल किया करते थे रमज़ान मुबारक का? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। माहे रमज़ान शरीफ की खुशियों के हवाले से और इसके तकद्दस के हवाले से जब सरकार दो आलम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम और आपके सहाबा इकराम के मामूलात को देखते हैं जी, तो इस बारे में तो माह शाबान की 29 तारीख को और माह रमज़ान शरीफ से एक दिन पहले सरकार दो आलम अलैहिस्सलाम ने एक जामे खुतबा इरशाद फरमाया है। और उससे हमें मालूम होता है कि माह रमज़ान शरीफ का एहतमाम कैसे करते थे और माह रमज़ान शरीफ की फजीलत क्या है। रसूलुल्लाह अलैहिस्सलाम ने सहाबा इकराम से फरमाया है कि या अय्युहन्नास क़द अज़ल्लकुम शहरुन अज़ीम शहरुन मुबारक शहरुन फ़ीही लैलतुन खैरुन मिन अल्फ़ शहर, कि ऐ लोगो तुम पर एक ऐसा अजीम शान महीना साया डालने वाला है कि जो बहुत अजीम शान महीना है, जो बहुत मुबारक है, और उसमें एक रात ऐसी है जो हज़ार महीनों से अफसल है। इसके अलावा आपने ये भी फरमाया है कि जो शख्स इस माह मुबारक में किसी नफली नेकी का काम करेगा तो अल्लाह तबारक व ताला उसको फ़र्ज़ के बराबर सवाब देगा, और जो कोई फ़र्ज़ अदा करेगा तो अल्लाह तबारक व ताला उसको 70 गुना ज़्यादा यानी 70 फ़र्ज़ों का सवाब अता फरमाएगा।
پھر آپ نے یہ بھی فرمایا ہے کہ یعنی ترغیب دیتے ہوئے کہ وَهُوَ الشَّهْرُ الصَّبْرُ وَالصَّبْرُ ثَوَابُ الْجَنَّةِ، کہ یہ مہینہ صبر کا مہینہ ہے اور صبر کا بدلہ تو جنت ہی ہے. یعنی یہ ماہ رمضان شریف جو آ رہا ہے اور اس کے روزے کا حکم دیا جا رہا ہے، تو کہیں ایسا نہ ہو کہ لوگ بے صبری کا مظاہرہ کر کے اتنے بڑے انعام سے محروم ہو جائیں. اس لیے بار بار رسول اللہ علیہ وسلم ترغیب دے رہے ہیں. اور جو ایک بڑی خاص بات آپ نے یہاں ارشاد فرمائی ہے کہ جو شخص کسی روزہ دار کا روزہ افطار کروائے گا تو اس کو روزہ دار کے برابر ثواب دیا جائے گا. سبحان اللہ. تو اس پر صحابہ کرام کو رشک ہوا کہ ہر کوئی تو روزہ افطار نہیں کروا سکتا، تو ہم کیسے یہ ثواب حاصل کر سکتے ہیں؟ تو نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے یہ سوال ہوا تو آپ نے فرمایا کہ جو شخص پانی کے ایک گھونٹ سے اور کھجور کے ایک دانے سے بھی کسی کا روزہ افطار کروائے گا تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو بھی اس کا ثواب عطا فرمائے گا. سبحان اللہ، سبحان اللہ. پھر اسی طرح سے اس کی تفصیلات میں اگر جاتے ہیں تو نبی اکرم علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ فرمایا ہے اسی خطبے میں کہ اس ماہ مبارک میں چار چیزیں کثرت سے کریں، ان میں سے دو چیزیں ایسی ہیں کہ جن سے تمہارا رب راضی ہو جاتا ہے اور دو ایسی ہیں کہ جن کے بغیر تمہارا چارہ کار ہی نہیں ہے. تو وہ دو چیزیں ہیں کہ جن سے تمہارا رب راضی ہو جاتا ہے، ان میں استغفار کی کثرت، یعنی اللہ تعالیٰ سے گناہوں کی معافی مانگنے کی کثرت، یہ کرتے رہو اللہ تعالیٰ کو بہت پسند ہے اور اللہ راضی ہو جاتا ہے. اور دوسرا جو ہے وہ کلمہ شہادت کی کثرت، یعنی جو کلمہ پڑھ کر لوگ مسلمان ہوتے ہیں یہ کلمہ پڑھتے رہو، اس کا ورد کرتے رہو اور زندگی کو اس کے مطابق کرتے رہو. اور جو وہ دو چیزیں کہ جن کے بغیر چارہ کار نہیں، ان میں ایک چیز جنت کا طلب کرنا ہے اور دوزخ سے پناہ مانگنا ہے. سو اس ماہ مبارک میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا کی طلب، جنت کی طلب اور دوزخ سے بچنے کی جو طلب ہے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ سے ہونی چاہیے. آمین. جی ماشاء اللہ جی، بہت اچھی باتیں پتہ چلی ہیں، استغفار کی کثرت اور کلمہ طیبہ کی. اس برکت مہینے میں اگر ہم کثرت کریں گے تو اللہ ہم سے راضی ہوگا. جی احمد رضا قصوری صاحب، آپ کا بہت بہت شکریہ آپ ہمارے شو میں آئے. آپ بتائیے کہ آپ کیسے رمضان کا استقبال کرتے ہیں؟ جی میں بنیادی طور پر ایک بڑی ریلیجس خاندان سے تعلق رکھتا ہوں. ماشاءاللہ. میرے خاندان کے بارے میں ایک بڑے اسکالر تھی خان بہادر میاں محمد شفیع، جو کہ اورینٹل کالج کے پرنسپل تھے 1929 میں، اور آکسفورڈ میں پڑھاتے تھے علوم مشرق اورینٹل اسٹڈیز. انہوں نے ایک مقالہ لکھا اور اس کا عنوان تھا افغان کالونی ان قصور، وی آر افغان بیسیکلی. جی تو اس نے کہا ہمارے خاندان کے بارے میں کہ یہ پورے سب کانٹیننٹ میں ایک ریئر خاندان ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے چار چیزوں سے نوازا ہے. جہاں یہ اہل سیف ہیں، کیونکہ ہم تو نارتھ سے آئے، گھوڑے کی پیٹھ پہ تلوار پکڑ کے آئے. جہاں یہ اہل سیف ہیں، اہل قلم بھی ہیں، اہل شریعت بھی ہیں، اہل طریقت بھی ہیں. قصور کے اندر سوائے حضرت بابا بھولے شاہ اور حضرت شاہ کمال چشتی، بابا فرید شکر گنج کے بھانجے ہیں، ان کے علاوہ جتنے بھی قصور میں بڑے بڑے بزرگان دین، محدث اور اسی عالم دین، وہ سارے کے سارے پٹھان ہیں. اچھا ماشاء اللہ. تو آپ کا تو بچپن رمضان کے حوالے سے بڑا یادگار ہوگا. بات یہ ہے کہ جی ہمارے ہاں رمضان میں بڑی، جو ہماری والدہ زندہ تھیں، بہت تیاریاں ہوتی تھیں، اسی کوئی 5 بجے سے اسی تیاری شروع ہو جاتی تھی. اچھا. اپنا لسی بن رہی ہے، پھلکیاں بن رہی ہیں، دہی بڑے بن رہے ہیں، اور پھر وہ نماز کے لیے اپنا لگایا جا رہے ہیں. ساری چیزیں نماز اس وقت گھر میں بنا کر، گھر میں ساری چیزیں. آج کل تو بازار سے منگواتے ہیں. بالکل. اس زمانے میں تو جو خواتین تھیں وہ گھر میں ہر چیز تیار کرتی تھی، تمام فروٹ چاٹ اور یہ چلا چاٹ اور ساری چیزیں. سب لوگ فری ہوتے تھے. تو اس لیے وہ جو خواتین تھی وہ بڑی پہنچی خواتین تھی. وہ خدا کرے کہ ویسی مائیں اور ویسی بہنیں ایک دفعہ پھر اس ملک کو مل جائے تو اس ملک کی ملک کی کایا پلٹ جائے. وہ بہت بہت بڑی عورتیں تھیں جی، سب کچھ، اور وہ پورے گھر کو سنبھالتی تھیں، پورے گھر کو ساتھ لے کے چلتی تھیں. اور رات کو اٹھنا، اسی اپنا 1.5-2 گھنٹے پہلے اٹھ جانا اپنا سحری کے وقت، اور پھر پکوان شروع ہو جانے، اور پھر اذان کا وقت ہونا تو محلے کی مسجد میں جا کے نماز پڑھنی. تو بڑا ایک پورے محلے کے اندر ایک رونق، اسی ایک ایسے لگتا ہے جیسے میلہ لگا ہوا ہے، اور لوگوں کے چہروں پر ایک عجیب قسم کا ایک
सुकून और कैफियत तारी होती थी, क्योंकि ये महीना जो है सबर और तहमल का महीना है, ये सबर सिखाता है। और दुनिया में भी अगर दुनियादारी भी करनी है तो दुनियादारी में भी अगर आप में सबर और तहमल नहीं है तो उस मुल्क के अंदर तमाम निज़ाम चल जाते हैं, जमहूरियत नहीं चलती। जमहूरियत को चलाने के लिए भी सबर और तहमल की जरूरत है, और सबर और तहमल जो है हमारे दीन का बहुत अहम रुकन है। और आपने बात की है कि मुल्क नहीं चलता, मुल्क से हमें हमारे साथ बैठी हुई है मिशाल मलिक साहिबा, और बड़ी खूबसूरत माशाल्लाह आप खुद भी और कश्मीरी लीडर हैं। आपका रमजान कैसे गुजरता है, आपकी क्या तैयारी है कश्मीर में? हमारा तो रमजान थोड़ा फर्क होता है ऑक्यूपाइड जम्मू कश्मीर में, जिस तरह पाकिस्तान में रौनकें होती हैं और इबादत के लिए लोग जाते हैं तरावी पढ़ने, सुबह सहरी के वक्त उठते हैं, तो वहाँ पे क्योंकि काफ़ी रमज़ान मैंने बड़े क्लोजली देखे हैं वहाँ लाल चौक के ऊपर, तो सब लोग रोज़े रखते हैं माशाल्लाह से, नमाज़ें भी पढ़ते हैं, मगर कर्फ्यू लग जाता है सहरी के टाइम पे भी और एन अफ्तारी से पहले कि दुकानें बंद कर दी जाएँ और जो बाय निकलेगा उसको मार दिया जाएगा। और अभी जो रमज़ान का आज पहला रोज़ा है तो आप देख लें कि कल 11 शहादतें हो गई हैं, और अभी सुबह ही मेरे शौहर यासीन साहब को सहरी के टाइम रेड हुई आर्मी की और उनको घसीट के ले गए सेंट्रल जेल में। तो आप इमेजिन कर लें कि एक गुलामी के अंदर जिस तरह मुसलमानों को वहाँ पे रखा हुआ है, कश्मीरियों को, उनकी जो उनका एक लीगल लिंक राइट है आज़ादी का, तो मैं सारे पाकिस्तानियों को सबसे पहले तो बहुत बहुत रमज़ान मुबारक, और स्पेशली आप लोगों को आपने बुलाया, और मैं यही चाहूँगी कि आप सब दुआ किया करें अपने कश्मीरी बहन भाइयों के लिए कि ये जो रमज़ान है अल्लाह करे ये खूनी ना हो, हालांकि पूरा इरादा है हिंदुस्तान की ये रमज़ान उनकी गुलामी का आखिरी रमज़ान हो, अगले रमज़ान में अल्लाह करे वो आज़ादी से अपने रमज़ान को इंजॉय कर सकें। और कल जो शहादतें हुई हैं वो सब बच्चे थे, 22-25-27 साल के बच्चे, देखा नहीं जाता, अल्लाह ताला करम करे जी। ज़ाहिर है बस ग़ुलामी ख़वातीन और हज़रात हमें देखना चाहिए, जब हम ये सोचते हैं हमें तो थोड़ा अपनी आज़ादी का हमें तब पता चलेगा, तो हम लोग आज़ादी को कुछ नहीं समझे क्योंकि हमने आज़ाद फ़ज़ा में सांस लिया, पैदा हुए, इसकी कदर नहीं है। उन लोगों से पूछें जो वो कश्मीर में गुजार रहे हैं, तो उनको देख के अपनी आज़ादी का, अपने मुल्क की नेमत का शुक्र अदा करें, और इस बाबरकत महीने में बहुत शुक्र अदा करें, और ख़ासकर उनको अपनी दुआओं में याद रखें जो इस वक्त वहाँ इस हालत में रोज़े भी रख रहे हैं। जी तो अच्छा, मेरे बाईं तरफ बैठे थे, हम पहले भी बात कर रहे थे, ऑडियो प्रॉब्लम हो गई थी, तो अब आप हमें बताएं कि वेलकम कैसे करना चाहिए आजकल हमें रमज़ान को। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस्लाम चूँकि एक अबदी दीन है, सरमदी दीन है, और उसका पैगाम जो है वो अबदी और दायमी है। बेशक तो परवरदगार ने खुसूसी लुत्फ़ो करम फरमाते हुए इस इंसान पे कि जिस तरह मसलन आप यहाँ पर एक पाको पाकीज़ा माहौल में बैठे हुए हैं, कल का दिन गुजरे, परसों का गुजरे, तो आहिस्ता आहिस्ता यहाँ पर घर जमती चली जाएगी। हाँ। लोहा पड़ा हुआ है तो वो जंग आलूद होगा। इसी तरह इंसान है वो जिस वक्त इस दुनिया में आता है, उसके बाद फिर जिस वक्त उसका बचपन, फिर उसका लड़कपन, फिर वो आगे बढ़ता चला जाता है, तो जिंदगी कहीं ना कहीं उसकी आलूदा होती चली जाती है। तो परवरदिगार ने मखसूस कुछ अयाम रखे हैं, मखसूस कुछ दिन और रातें रखी हैं, मखसूस कुछ सातें रखी हैं, और उन्हीं में सबसे ज्यादा बबरकत बशहादत जो है वो रमजान और मुबारक का महीना है, जिसमें परवरदिगार की जी रहमत का दरवाजा खुला हुआ है, तौबा अनाबा मगफरत के दरवाजे खुले हुए हैं, शैतान कैद कर दिए गए हैं, और उस परवरदिगार ने फिर दावत दी है कि आ जाओ, मेरी रहमत इस वक्त पूरे जोबन पे है, आ जाओ, तौबा रनाबा का दरवाज़ा खुला हुआ है, आ जाओ, तौबा रस्तगफार करो और मैं बख्शने के लिए तैयार हूँ। अब आप देखें कि कितना अजीबुल मर्तबत महीना है, कितना अजीम महीना है कि इंसान अपनी ज़िंदगी की बका के लिए सांस लेता है, सांस की डोरी टूट जाए जिंदगी ख़त्म हो जाए, अपनी ज़िंदगी की बका के लिए सांस ले रहा है, तो कमाल की रहमत उस पाक परवरदिगार की कि सांस हम अपनी ज़िंदगी की बका के लिए लें और तस्बीह पढ़ने का दर्जा लिखा जा रहा है। जिस्म को इस्तराहत पहुंचाने के लिए, आराम पहुंचाने के लिए, ज़ाहिर है उसके बाद जब काम शुरू करेंगे, नई ज़िंदगी का आगाज़ करेंगे, आराम करने के लिए लेट गए, सो गए हैं, तो सोना इबादत में लिखा जा रहा है।
आम दिनों में पूरा खत्म कुरान करें तो यहाँ पर अगर एक आयत कुरान की पढ़ी जाती है तो पूरा खत्म कुरान का सवाब मिलता है। अब जितना ये माय मुकद्दस अजीम है, जिस तरह सुल्तानुल अंबिया हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जिस वक्त वो जो खुतबा फरमाया इरशाद जो रमज़ान मुबारक से कबल, तो उसमें मुखातिब करके यही इरशाद फरमाया कि लोगों आगाह हो जाओ कि तुम्हारी तरफ एक ऐसा इज्जत अजमत हुरमत वाला महीना आने वाला है कि जिसके दिन आम दिनों जैसे नहीं, जिसकी रातें आम रातों जैसी नहीं, जिसकी सातें आम सातों जैसी नहीं। अब आप देखें कि जिसकी एक रात हज़ार महीनों के बराबर नहीं, हज़ार महीनों से अफजल हो, अफजल एक रात की इबादत। तो अब अगर इसको खुदा न ख्वास्ता कोई ज़ाया कर देता है तो ये भी इससे बड़ी बदबख्ती कोई नहीं हो सकती। तो इसका मतलब ये है कि ये महीना जो है ये हमारे लिए हमारी ज़िंदगी में इनकलाब लाने का महीना है, अपने आप को तब्दील करने का महीना है, अपने उस सिरात मुस्तकीम पर आने का महीना है। और हमसे जो कुछ हो चुका है मसलन उससे हमने सबक सीखना है, माफ़ी मांगनी है, और उसके बाद फिर तनाइए नहीं, ये तो हकूकुल्ला हुए, फिर उसके बाद यही महीना में दर्ज देता है मसलन भूख और प्यास रहकर फरमाया गया एकदम जो भूख और प्यासे रहोगे तो फिर तुम्हें एहसास होगा कि गरीब कौन होता है। एक ऐसा शख्स प्यास क्या होती है, भूख और प्यास जो तुम यहाँ पर बर्दाश्त कर रहे हो इसके जरिए से तुम जरा क्यामत की भूख और प्यास को याद करो। फिर उसके बाद देखो कि जिन लोगों के पास कस्मा पुरसी में है, जो बेकस हैं, जो बेआसरा हैं, जो बेसहारा हैं, तो ये महीना हमें यहाँ पर इस तरफ भी मुतवज्जे करता है, जिस तरह के इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलाम से फरमाया, पूछा गया कि आप फरमाएं कि रमज़ान मुबारक जो है इसमें फलसफा क्या है भूख और प्यास का, तो इमाम ने फरमाया कि इसका फलसफा यह है कि अल्लाह गनी और फकीर को बराबर करना चाहता है। सुभान अल्लाह। जब ना रसूलल्लाह वो कैसे कहा कि जिस वक्त एक सर्वतमंद एक दौलतमंद जो है वो भी उसके पास दौलत पड़ी हुई है तो अल्लाह का कानून आ गया, वो भूखा रहेगा, वो प्यासा रहेगा, तो फिर उसको पता चलेगा कि दूसरे जो हैं गरीब कैसे होते हैं, बेकस कैसे होते हैं, बेसहारा कैसे होते हैं। सुभान अल्लाह, बड़ी अच्छी तरह बताया आपने। जी जी, आगे हम चलते हैं। जफर इकबाल जलाली साहब आलम दीन है। अच्छा, इनसे मैं पहले, आज पहला रोज़ा या पहली इफ्तारी होने वाली है, पहले रोज़े के हवाले से कोई ऐसा वाकया बताएं या पहले रोज़े की ऐसी अहमियत बताएं जो हमारे देखने वालों को पता चल सके। रमज़ान शरीफ का पूरा महीना रहमतों बरकतों से लबरेज़ है। अल्लाह तबारक व ताला ने इसे वो फजीलत वो शरफ़ अता फरमाया है जो दीगर महीनों को नसीब नहीं हुआ। हदीस शरीफ में आता है नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि अगर लोग जान जाएं कि रमज़ान क्या है, रमज़ान की अजमत क्या है, फिर लोग ये तमन्ना करें कि साल भर रमज़ान ही रहे। रमज़ान में रोज़े रखे जाते हैं, बज़ाहिर कुछ लोग समझते होंगे गर्मी की शिद्दत है, प्यास भूख लगती है, रोज़ा रखना दुश्वार है, लेकिन अगर अजमत रमज़ान रमज़ान शरीफ के रोज़े की फजीलत और अहमियत का अंदाज़ा हो जाए तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया फिर लोग तमन्ना करें कि पूरा साल रमज़ान ही रहे। इसमें अल्लाह ताला ने खुसूसी रहमतें बरकतें सादतें तकसीम करने का एहतमाम फरमाया है। हदीस शरीफ में आता है जब रमज़ान शरीफ शुरू होता है तो पहला रोज़ा शुरू होता है, रमज़ान शरीफ शुरू होते ही इज़ा दाखला रमज़ान फतेहत अबवाब रहमा, जब रमज़ान शुरू होता है अल्लाह ताला की रहमत का एक दरवाज़ा नहीं, रहमत के सारे दरवाजे खोल दिए। और एक रवायत में आता है फतेहत अबवाब समा, आसमां के सारे दरवाजे खोल दिए जाते हैं। एक में आता है फतेहत अबवाबुल जन्ना, जन्नत के सारे दरवाजे खोल दिए जाते हैं। ये अल्लाह तबारक व ताला की जो रहमत आम है उसका इजहार इन अहादीस मुबारका में है। तो रमज़ानुल मुबारक का हर रोज़ा ही बड़ी अजमत बड़ी शान वाला है। रमज़ान शरीफ का एक रोज़ा बग़ैर उज़र के अगर कोई छोड़ दे फिर सारी ज़िंदगी भी रोज़े रखता रहे, ज़माना भर के रोज़े इस एक रोज़े के अजर व सवाब को नहीं पहुँच सकते जो रमज़ान शरीफ का रोज़ा है। अल्लाह तबारक व ताला का तरफ से ये फ़र्ज़ है, हमें रमज़ानुल मुबारक में अहकाम इस्लाम को समझना चाहिए और अहकाम इस्लाम के जो दराजात हैं जो आदाब हैं उनको मलूज़े खातिर रखेंगे तो हमें हिकमत रोज़ा और फलसफे रोज़ा जो तकवा और परहेजगारी है वो नसीब होगी। उसी के साथ ही दुनिया की कामयाब जिंदगी है और उसी परहेजगारी के जेर साया गुजरने वाली जिंदगी के नतीजे में आखिरत की जिंदगी कामयाब समझी। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब, बहुत अच्छी बातें की। गुफ्तगू का सिलसिला जारी रहेगा, यहाँ चलते हैं एक छोटे से ब्रेक पे, मिलते हैं ब्रेक के बाद।
देखते रहिए सादत रमजान। محمد سيد الكونين والثقلين محمد سيد الكونين والثقلين محمد سيد الكونين والثقلين والفارقين من عرب ومن عجل.